गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स और उसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक को हम बोलते हैं वोल्टमीटर, वोल्टमीटर एंड दूसरे को हम बोलते हैं एमीटर, एमीटर। तो सबसे पहले हम एमीटर के बारे में पहले बात करते हैं। एमीटर, एमीटर, एमीटर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि एम्पियर होती है ना करंट की यूनिट, तो एमीटर क्या होता है? जो करंट को मेजर करे, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर मेजर करंट फ्लोइंग इन द वायर, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इन द सर्किट कितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, उस चीज को कौन मेजर करता है? एमीटर। अच्छा, सिंबल इसका क्या है? इसका सिंबल होता है ए, ऐसे ए, तो ये एमीटर का सिंबल है, ठीक है, ऐसे। अच्छा, और देखते हैं इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एमीटर। इसको हम सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज। वो अभी समझ आ जाएगा क्यों सीरीज में लगाते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज। इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिवाइस, लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है और सीरीज में कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये, मेरे पास एक रेजिस्टर है और यहां पे मैं अपना एमीटर लगाता हूं, ठीक है, और ये मेरी बैटरी है। तो अगर मान लीजिए ये, मान लीजिए 5 ओम का रजिस्टर है और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी है, तो ये मेरे को एमीटर इस चीज़ के बारे में बताता है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई। वो आई की वैल्यू ये मेरे को मेजर करके देगा, एमीटर, ठीक है। तो हमें पता है वी इज इक्व टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ एंड आई इज इक्व टू वी बाई आर। वी कितना है? 10 और 5 डिवाइडेड बाई 5, तो मेरे पास आ गया 2 एम्पियर। ये जो 2 एम्पियर है ना, ये मेरा एमीटर 2 एम्पियर रीड करके देगा मेरे को। तो रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर कितनी होगी? ये 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर रीडिंग देगा एमीटर मेरे को, ओके, ठीक है। अच्छा, ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है और इसको हम कैसे लगाते हैं? इसको हम लगाते हैं सीरीज में। क्यों सीरीज में? पहले तो ये देखते हैं वाई इन सीरीज, वाई इन सीरीज, सीरीज में क्यों लगाते हैं? बिकॉज, बिकॉज इट मेजर्स द करंट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इन द सर्किट। तो ये सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मेरे को मेजर करके देता है, इसीलिए ये सीरीज में लगाते हैं। मतलब कि मेरे को ये बताएगा कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसीलिए ये सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। अगर मैं इसके साथ पैरेलल में लगा दूंगा ऐसे, अगर मान लीजिए मैं ऐसा सर्किट बनाता हूँ, ये कई बार पूछा जाता है कि बताइए कि भाई इसमें क्या खराबी है इस सर्किट में, तो एमीटर हमेशा आपको सीरीज में लगाना है। मान लीजिए कि मैंने ऐसे इसको सीरीज में, पैरेलल में लगा दिया, ठीक है, इसमें सीरीज में नहीं लगा। ऑल दो दिस इज अ रॉन्ग सर्किट, ये गलत है, ऐसा नहीं होता, ये अन्याय है, बट फिर भी मान लीजिए कि ये 5 और ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 5 ओम, तो अगर मेरा एमीटर है, एमीटर बनाया जाता है गैल्वेनोमीटर से। किससे बनाया जाता है? गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर क्या चीज है? अब गैल्वेनोमीटर है जो मेरे पास, ये भी एक डिवाइस होती है, ये मेरे को क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मेरे को डायरेक्शन ऑफ करंट बताती है। जैसे मेरे पास एक मीटर है और इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, गैल्वेनोमीटर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है एंड मेजर्स द करंट, मेजर्स द करंट, ये मेरे को करंट की मेजरमेंट भी देता है, डायरेक्शन ऑफ करंट भी देता है, बट वेरी लो, वेरी लो अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट इज मेजर्ड विद इट।
मान लीजिए 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, ठीक है, 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, बस इतना करंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे 2, 4, 5 एम्पियर करंट नहीं इससे मेजर करते, इससे गैल्वेनोमीटर से सिर्फ हम 1-2 मिली एम्पियर तक मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एमीटर होता है वो ऐसे होता है, उसकी जो नीडल है वो यहाँ पे होती है और ऐसे इस पे इसके ऊपर मार्किंग्स होती है, ये एमीटर है, इसमें ए लिखा होता है। जो गैल्वेनोमीटर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, उसकी जो नीडल होती है वो बिल्कुल ऊपर रहती है सीधी, और यहाँ पे जी लिखा मिलेगा, और ऐसे इसके ऊपर मार्किंग है ऐसे। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये नीडल इधर चली जाती है, अगर करंट इस डायरेक्शन में चलता है तो ये नीडल इधर चली जाती है। बट ये जो एमीटर है इसमें चाहे करंट इधर चले या इधर चले, इसकी नीडल एक ही डायरेक्शन में जाती है, इसीलिए ये डायरेक्शन नहीं बताता मेरे को, ठीक है। इट डज नॉट टेल अस अबाउट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता, ये डायरेक्शन के बारे में बताता है। अगर एक तरफ करंट जाएगा तो इसकी नीडल इधर चली जाएगी, दूसरी तरफ करंट जाएगा तो इस तरफ, ठीक है। तो ये प्योरली किस लिए डिवाइस है, इसका मेन पर्पस है जो एमीटर का, वो होता है अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट मेजर करना, और इसका सोल पर्पस क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये थोड़ा सा करंट मेरे को बता सकता है, मान लीजिए नीडल यहाँ पे चली गई तो मेरे को पता चल जाएगा कि इस डायरेक्शन में और इतना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको समझ आया गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या, इसकी जो वर्किंग है वो आप प्लस टू में जाके पढ़ोगे कि ये बनता कैसे है। तो गैल्वेनोमीटर को ही हम सेटिंग करके ना, गैल्वेनोमीटर में सेटिंग करके ही हम एमीटर बनाते हैं, और इसी में एक और सेटिंग करके हम वोल्ट मीटर बनाते हैं। तो पहली बात तो गैल्वेनोमीटर है जो, वही किसको जन्म देता है, जन्म देता देता का मतलब है कि इसमें कुछ सेटिंग्स करते हैं हम, ऐसी सेटिंग्स करते हैं कि वो एमीटर बन जाए, ऐसी सेटिंग्स करते हैं कि वोल्ट मीटर बन जाए। सेटिंग्स का मतलब है कि इसमें हम एक ऐसी रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं अपनी तरफ से कि ये एमीटर की तरह काम करता है, ये वोल्ट मीटर की तरह काम करता है। तो सिंपल सी ये बात है, एक गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों चीज़ें बना सकते हैं। जो गैल्वेनोमीटर है उसका सोल पर्पस है डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करना, और थोड़ा बहुत करंट की मेजरमेंट दे सकता है, ज़्यादा करंट आ जाएगा तो इसके प्राण निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम एक ऐसी रेजिस्टेंस जोड़ते हैं कि ये ज़्यादा करंट को भी सहन कर सके, ठीक है। तो वो चीज़ क्या बन जाती है, एमीटर। फिर ये जो एमीटर है ना, ये डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं बताता, नो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन नहीं बताता। ये इसका सोल पर्पस क्या होता है, अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना, और गैल्वेनोमीटर का सोल पर्पस डायरेक्शन, ठीक है, ये समझ आ गया। तो अगर ये जो डिवाइस बनी हुई है, ये इसकी कुछ रेजिस्टेंस तो होगी, इसकी कुछ रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो इसमें बहुत हल्की सी चेंज करके, थोड़ी सी रेजिस्टेंस लगा के हम लो रेजिस्टेंस डिवाइस एक बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं एमीटर। अब मान लीजिए कि ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस, ये लो भी क्यों है वो भी समझ आ जाएगा। तो मान लीजिए एक बार कि ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, ऐसे करंट चला। अब जब भी करंट को दो रास्ते मिलते हैं तो करंट कहाँ से फ्लो करना चाहता है, करंट फ्लो करना चाहता है कहाँ से, लो रेजिस्टेंस पाथ से। तो करंट ये पाथ ले लेगा, इधर बहुत कम करंट जाएगा। हमें तो ये मेजर करना था कि 5 एम्पियर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो अब जितना ये मेरे को रीडिंग देगा तो करंट तो इसमें से जा रहा है ज़्यादा, तो मेरी तो वोल्ट मीटर की रीडिंग खराब आ जाएगी, मतलब गलत आ जाएगी रीडिंग, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको सीरीज में लगाते हैं। इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, समझ आएगा। मान लीजिए कि मेरे पास ऐसे 5 ओम रेजिस्टेंस है, या इसको मैं 4 ओम कर लेता हूँ, ये मेरे पास 4 ओम रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे मैंने एक एमीटर लगा दिया, और मैंने पैरेलल में लगा दिया, और इसकी भी कुछ रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इधर हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी आएगी, यहाँ पे जो करंट आएगा वो तो कंबाइंड रेजिस्टेंस से आएगा, तो रेजिस्टेंस कितनी आएगी इसकी, ये आ जाएगी 4 × 8/6, तो आ गया 4/3, तो टोटल मेरे पास रेजिस्टेंस आ गई 4/3। अब करंट कितना यहाँ पे जनरेट होगा, I इज इक्वल टू V बाई आर, V है मेरे पास 10 × 4/3, तो ये आ गया 2 × 5, 5 × 3 = 15/2, तो 7.5 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अब जो 7.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है ना, वो 7.5 इसमें से नहीं जाएगा, ज़्यादा करंट इसमें से जाएगा।
तो इसमें से कितना करंट जाएगा, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। इसमें इसके अक्रॉस एमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, और आर कितना है ये 2, तो 5 एम्पियर इसमें से चला जाएगा। हमें तो ये मेजर करना था कि 4 एम्पियर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो कितना कर रहा था 2.5 एम्पियर। और आपकी रीडिंग क्या आएगी इस केस में, ये मेरे को रीडिंग क्या दे देगा मीटर, रीडिंग दे देगा मेरे को 5 एम्पियर। तो ये तो चाहे ये बिल्कुल सही रीडिंग दे रहा है, जितना इसमें से करंट फ्लो कर रहा है उतनी ही रीडिंग दे रहा है, बट हमारे हिसाब से तो ये गलत हो गया ना। हमें तो ये चेक करना था कि बताइए इस 4 एम्पियर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो 4 एम्पियर में से तो 2.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, बट ये रीडिंग क्या देगा 5 एम्पियर। इसीलिए इसको किस में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होगी तो क्या होगा उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एमीटर क्या होता है, सीरीज में लगता है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, सीरीज में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हमें सर्किट में से फ्लो करने वाला करंट मेजर करना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर आप पैरेलल में लगा दोगे तो ये तो मेरे को इस चीज के बारे में बताएगा कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसीलिए इसको सीरीज में लगाया जाता है। अब इसको लो रेजिस्टेंस क्यों बनाया जाता है वो सुनिए, वाई इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, वाई लो रेजिस्टेंस डिवाइस, वाई लो रेजिस्टेंस डिवाइस, ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस क्यों है। देखिए, ऐसे मेरे पास 4 एम्पियर 4 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दी मैंने, और इसके साथ एमीटर लगा दी और लगा दिया, और ये इसकी रेजिस्टेंस मान लीजिए कि 1 ओम है। ठीक है, और इसके साथ हमने बैटरी लगा दी, तो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट जो आएगा इसमें से वो कितना आएगा, 1 एम्पियर होती नहीं है, ये बहुत कम रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो कितनी माने इसकी मैं ओरिजिनल रीडिंग, जितना ये होता है 0.01 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है, सॉरी एमीटर लगा हुआ है, इसकी रेजिस्टेंस ये मान लेते हैं। एक रेजिस्टर है जो वो ऐसा ले लेते हैं, ये 4 ओम का रजिस्टर है और इसमें एमीटर लगा है, और एमीटर की जो रजिस्टेंस है वो मान लीजिए हम मान लेते हैं कितना माने 2 या 1 ओम ही मान लेते हैं, और ऐसे ये 10 वोल्ट की बैटरी है। तो ये लो रजिस्टेंस है और ये हाई रजिस्टेंस है। अब प्रॉब्लम क्या आती है वो देखिए। ठीक है, इस केस में अगर मैं बात करूँ तो करंट कितना जनरेट होगा, I इज इक्वल टू वी बाई आर, और आर कितना है 4.001। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा मेरे पास 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट इतना आ जाएगा, और इसमें कितना आएगा, इसमें I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो आ गया मेरे पास 2 एम्पियर, पूरा पूरा 2 एम्पियर। तो देखिए किस में प्रॉब्लम आएगी, ये आपको रीडिंग क्या देगा, ये एमीटर है जो वो आपको रीडिंग देगा कुछ अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 एम्पियर, और ये आपको रीडिंग देगा, इसकी रीडिंग आएगी एग्जैक्टली 2 एम्पियर। ठीक है, तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन हुआ, इस सर्किट में करंट जो फ्लो कर रहा है दोनों जो एमीटर है वो बिल्कुल सही आपको रीडिंग दे रहे हैं, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी खुद की रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये पूरे सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को ही चेंज कर देगा, और ये जितना हमें करंट चाहिए था कि इसमें से फ्लो करे उतना ही देगा। इसीलिए जब भी हम रेजिस्टेंस एमीटर बनाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस को लो रखा जाता है, ताकि उसकी खुद की रेजिस्टेंस है जो वो सर्किट में ना आए, क्योंकि हमें तो ये चेक करना था कि अगर मैं 10 वोल्ट की बैटरी के साथ 4 ओम का रेजिस्टर लगाता हूँ तो सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, वो हमें एमीटर से रीडिंग लेनी थी, और वो बिल्कुल सही बताता है कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 एम्पियर फ्लो करेगा। अगर इसकी खुद की रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई तो ये पूरे सर्किट को ही बिगाड़ देगा, इसीलिए इसको लो रेजिस्टेंस डिवाइस रखा जाता है, क्योंकि इसकी खुद की रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है बाकी की लगी हुई रेजिस्टेंस के साथ, इसीलिए इसको लो रेजिस्टेंस डिवाइस बना के पेश किया जाता है या इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, एक गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम है डायरेक्शन ऑफ करंट और लो करंट मेजर करना। हाई करंट मेजर करने के लिए हमारे पास एमीटर है, एमीटर है जो उसका सोल पर्पस है करंट की मेजरमेंट देना, डायरेक्शन वो नहीं बताता आपको। दूसरी चीज़ जो एमीटर है उसको सीरीज में जोड़ते हैं, और वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। ठीक
ठीक है। लो रेजिस्टेंस क्यों बनाई जाती है? क्योंकि उसकी खुद की रेजिस्टेंस डायरेक्टली सीरीज में लगे होने के कारण वो हमारी रेजिस्टेंस के साथ ऐड हो जाती है। तो ऐड होने के कारण जो रेजिस्टेंस नेट मेरे सर्किट में होती है वो बढ़ जाती है, और करंट की मेजरमेंट है जो वो गलत हो जाती है, इसीलिए इसको सीरीज में लगाया जाता है, लो रेजिस्टेंस रखा जाता है। ठीक है, ठीक है, अभी इतनी समझ आ गई हमें, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या चीज़ है? डिवाइस, डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस अ रजिस्टर। इन शब्दों पे ध्यान देना है आपको, जो एमीटर की डेफिनेशन लिखी थी और जो वोल्ट मीटर की डेफिनेशन लिखी थी, इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो था इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और ये है मेरे पास डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर। ठीक है, और सिंबल इसका, ये इसका सिंबल है, सिंबल इसका वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे वी से। और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है कि ये पैरेलल में लगाया जाता है, पैरेलल में, पैरेलल टू रेजिस्टर, एंड ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये एक रेजिस्टर है और इसके साथ हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हैं, ऐसे ये मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे 5 ओम का रजिस्टर है, तो जब इसकी रीडिंग आएगी तो रीडिंग ये देगा मेरे को 10 वोल्ट, मतलब ये मेरे को बताता है कि 5 ओम जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये बताता है आपको ये। ठीक है, तो ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है इसीलिए इसको सीरीज में पैरेलल में लगाते हैं, सीरीज में नहीं लगाते, क्योंकि अगर आप सीरीज में लगाओगे तो ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस नहीं मेजर करके देगा। जैसे ऐसे मैं लगा दूं इसको वोल्ट मीटर, ऐसे ये 10 वोल्ट है, ये मान लीजिए 5 ओम है, और ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो मेरे को मेजर ही नहीं करके देगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होने के कारण सर्किट में जो करंट आएगा वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, और इसको किस में लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, अब ये लो रेजिस्टेंस क्यों नहीं है, वाई नॉट लो रेजिस्टेंस, या ये हाई रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि देखिए, जब मैं इसको किसी रजिस्टर के साथ ऐसे पैरेलल में लगाता हूँ इस तरह से, ये 10 वोल्ट और ये मान लीजिए 5 ओम और इसकी रेजिस्टेंस मान लीजिए 100 ओम, तो जो भी करंट यहाँ से आता है वो सारे का सारा करंट इसमें से फ्लो करता है, इसमें से ना करंट जाए। ठीक है, ये मिनिमम करंट जाए इसमें से, मिनिमम करंट, या आइडियल केस में इसमें जीरो करंट जाए, तो हम ये चाहते हैं कि पूरे का पूरा करंट कहाँ से मेजर करे, इसमें से, इस रेजिस्टेंस में से फ्लो करे, तभी तो मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकूंगा सही। ठीक है, तो जो एक कंप्लीट सर्किट बनता है वो ऐसा बनता है कि यहाँ पे एक एमीटर लगता है और ऐसे यहाँ पे एक ये बैटरी है मान लीजिए 10 वोल्ट की, और यहाँ पे मान लीजिए 5 ओम का रजिस्टर है, तो यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया ऐसे। ठीक है, तो ऐसे सर्किट आते हैं, आपको ये उल्टा करके भी दे सकते हैं, इसको यहाँ पे लगा दें, इसको यहाँ पे लगा दें और बोले कि क्या प्रॉब्लम है। तो याद रखना है, जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में लगेगा, जो एमीटर है वो हमेशा सीरीज में लगेगा, ये इसकी खासियत है और यहीं से इनकी पहचान होती है। ठीक है, अब इस पे एक आधा हम क्वेश्चन जरूर करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है और यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया। अब जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी उसमें भी ऐसे क्वेश्चन है, पहले दूसरे क्वेश्चन ऐसे ही हैं सारे। और यहाँ पे मान लीजिए 100 वोल्ट की बैटरी है और ये मान लीजिए 5 ओम का रजिस्टर है और ये मान लीजिए 25 ओम का रजिस्टर है
और यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। तो आपसे पूछा जाए फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपने पहले किया वैसे ही है, बस अब हमने इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की तरफ चले गए कि उनको एक्चुअल में रीडिंग वो कैसे लेते हैं। हम मैथमेटिकली तो हम जानते हैं क्या क्या रीडिंग आएगी। तो पहले तो हम करंट निकाल लेते हैं, है ना, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो वी कितना है 100, तो आर कितना है 30, तो ये मेरे पास आएगा 10/3। इसको कुछ और कर लेते हैं, इसको 90 वोल्ट कर लेते हैं ताकि अच्छी रीडिंग आए। तो ये मान लीजिए 90, तो ये कितना आ जाएगा 3 एम्पियर करंट। तो एमीटर कितनी रीडिंग देगा, एमीटर की रीडिंग क्या होगी, एमीटर रीडिंग इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ऐसे ही वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी यहाँ पे, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर। आई यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर, तो I है मेरे पास 3 और R है मेरे पास 25, तो ये आ गया 75 ओम। तो जो वोल्ट मीटर रीडिंग होगी वो कितनी होगी, वोल्ट मीटर रीडिंग विल बी 75 वोल्ट। बस इतना ही है ये, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा अपने हाउस होल्ड जो सर्किट्स होते हैं उनको देखेंगे, ठीक है। टिल देन आप ये कीजिए, जो आपकी असाइनमेंट है वो भी कीजिए, और अगर कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछिए, ठीक है। थैंक यू।